यहाँ पर आप लोग को इतना बड़ा काउंटर मिलेगा जहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हैं। जस्ट एकदम देखो बाहर के साइड में ही इतना बड़ा यहाँ पर काउंटर है। कितना चार्ज लेते हैं भाई यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए? गाड़ी तक छोड़ते हैं हम डब्बे तक। अच्छा, 40 रुपये एक आदमी का। एक आदमी का 40 रुपये से कम। जैसे एक बैग रहेगा किसी का तो कितना लेंगे? अच्छा, जो कस्टमर दे दिया वो ले लेते हैं। हाँ चलो, अच्छा है हुआ रेलवे का इंजन है। इंजन रेलवे का इंजन है लेकिन रोलर भी बना हुआ है। क्या सिस्टम है क्या मालूम, पूरा पार्सल रखा हुआ है। ये सब पार्सल का एरिया है। यहाँ पर शायद पार्सल का कोई डब्बा रहता होगा। आप लोग को कुछ भी लेना है, पानी वगैरह, तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। देखो इस तरीके की दुकान है, पेटिस वगैरह समोसा वगैरह मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ बैंड्रा टर्मिनस के बारे में, सब कुछ बताने वाला हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैं कहीं जाने वाला भी हूँ, उसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में मालूम पड़ ही जाएगा। और यहाँ पर देखो मैं जस्ट बैंड्रा टर्मिनस के पास पहुँच चुका हूँ और यहाँ से भी अंदर जाने का रास्ता है, तो देखते हैं यहाँ से किस तरीके का पूरा नज़ारा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट व्लॉग होने वाला है। मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसा क्या है यहाँ पर और कैसे जाना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। और देखो यहाँ से जस्ट एंट्री है और इसका मेन गेट उधर आगे से है। यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर कैंटीन देखने मिलेगा और यहाँ पर मतलब सब कुछ नाश्ता वगैरह आप लोग को मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पर पार्किंग है, इतना बड़ा पे पार्किंग है। मैं यहाँ पर पूछता हूँ कितना क्या रेट है। और यहाँ पर देखो ये बैंड्रा टर्मिनस का स्टार्टिंग का है और यहाँ पर इस तरीके का इंजन बना हुआ है जो कि आप लोग देखो पुराना मॉडल है। और यहाँ पर ये पार्किंग का सिस्टम है। ये पार्किंग का कैसा क्या है भाई, मतलब कितना क्या लेते पार्किंग का, फोर व्हीलर का, टू व्हीलर का? 30 रुपये चार्ज है फोर व्हीलर का। हाँ, टू व्हीलर का 20 रुपये। 20 रुपीज़ टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का भी 30 रुपीज़। थ्री व्हीलर बोले तो वही रिक्शा हो गया ना। और वहाँ पे जो वो गेट बना वहाँ भी पैसा लेते हैं कुछ? नहीं, वो पिकअप ड्रॉप के लिए पावती देते हैं। अच्छा अच्छा, पावती देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पार्किंग करेंगे तो 30 रुपया फोर व्हीलर का है, 20 रुपया टू व्हीलर का है, और थ्री व्हीलर का कितना बोले? 30 रुपया। फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर का सेम है, चलेगा ठीक है। तो यहाँ पर देखो जस्ट टर्मिनस के सामने आप लोग को पार्किंग भी देखने मिलेगा, जो कि आप लोग के मन में अगर ऐसा डाउट रहा होगा कि क्या पता टर्मिनस के बाहर में पार्किंग है नहीं है, तो यहाँ पर है। देखो कितना मस्त यहाँ पर डिज़ाइन है और ये पूरा टर्मिनस है। मैं आप लोग को थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पर अगर आप लोग आ गए भाई तो यहाँ पर आप लोग को सब कुछ मिलेगा, कहीं भी जाने के लिए गाड़ी वगैरह मिलेगा। और यहाँ से देखो ये है बैंड्रा टर्मिनस पूरा, कितना मस्त यहाँ पर नज़ारा है। और यहाँ पर आप लोग को कूली वगैरह भी मिल जाएंगे। देखो ये पूरा बैंड्रा टर्मिनस है, पश्चिम रेलवे, मस्त एकदम है देखो आप लोग। और उसके बाद में यहाँ पर मैं कूली से भी पूछता हूँ कितना लेते हैं सामान का। जैसे मैं स्टेशन का वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें तो आप लोग भी रहते हैं ना, तो इसके लिए आप लोग को मतलब ले रहा हूँ, उसमें कितना चार्ज लेते हैं, मतलब कम से कम सामान रहेगा तो? कम से कम जैसे एक बैग रहेगा किसी का तो कितना लेंगे? अच्छा, जो कस्टमर दे दिया वो ले लेते हैं। हाँ चलो, अच्छा है फिर। और यहाँ पर देखो इनका मतलब सिस्टम ऐसा है, जो कस्टमर दे दिया वो ले लेते हैं, बाकी रेलवे का कुछ रेट वगैरह होगा जो कि मैं दिखाऊंगा आगे के साइड में। और अभी यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। उधर के साइड में कैंटीन है, देखो वहाँ पर पार्किंग के जस्ट सामने। और यहाँ पर इस तरीके का ये बना हुआ रेलवे का इंजन है। इंजन रेलवे का इंजन है लेकिन रोलर भी बना हुआ है। क्या सिस्टम है क्या मालूम, वो मैंने अभी देखा। और इधर पे अंदर बाइक और फोर व्हीलर ये सब अलाउड नहीं है, यहाँ पे देखो बंद लिखा हुआ है। और यहाँ से अंदर जाएंगे टिकट वगैरह लेने के लिए। यहाँ पर आप लोग को इतना बड़ा काउंटर मिलेगा जहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हैं। जस्ट एकदम देखो बाहर के साइड में ही इतना बड़ा यहाँ पर काउंटर है, आप लोग यहाँ पर आकर टिकट वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पर बैठने के लिए भी है और यहाँ पर आप लोग की चेकिंग वगैरह होती है। और यहाँ से जस्ट अंदर जाएंगे, देखो यहाँ से अंदर जाएंगे वेटिंग एरिया है पूरा, टिकट काउंटर इधर भी देखने मिलेगा सामने से भी, मतलब यहाँ पर टिकट काउंटर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से देखो यहाँ पर लगेज वगैरह चेक होता है, चेक करने के बाद में यहाँ से अंदर जाएंगे। और यहाँ पर ये भाई लोग भी है, गाड़ी का भी मैं पूछता हूँ कितना क्या, कितना चार्ज लेते हैं भाई यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए? गाड़ी तक छोड़ते हैं हम डब्बे तक। अच्छा, 40 रुपये एक आदमी का। एक आदमी का 40 रुपया। तो यहाँ पर देखो ये भाई की गाड़ी है और 40 रुपये में हमेशा इधर इधर से वहाँ कोई भी गाड़ी रहेगी, मतलब कितने भी प्लेटफॉर्म पे जाना रहेगा गाड़ी, कोई भी प्लेटफॉर्म, डब्बे के सामने 40 रुपये डब्बे के सामने छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब वो जो ब्रिज के ऐसा बना है वो गाड़ी के लिए ही बना है? हाँ, सब भी उसी में से। अच्छा अच्छा, उसमें से चले जाते ऊपर, चलेगा ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाड़ी की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आना। अगर चलने में प्रॉब्लम है कुछ भी है तो यहाँ से गाड़ी से भी आप लोग जा सकते हैं। देखो इस तरीके से गाड़ी चलती है
और यहाँ पर मतलब प्लेटफॉर्म पे छोड़ देंगे आप लोग को। और यहाँ पर कैंटीन वगैरह, इधर के साइड में भी कैंटीन है। और यहाँ पर देखो नॉर्मल छोटे मोटे दुकान भी है। और यहाँ पर ये पूरा वेटिंग एरिया है। और देखो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। मैं दिखाता हूँ अभी किस तरीके का है, सब कुछ बताऊँगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और यहाँ पर इधर भी कैंटीन है, यहाँ से पानी वगैरह ले सकते हैं। वेटिंग एरिया यहाँ पर है और उसके जस्ट सामने ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी लगती है और आप लोग गाड़ी से भी आ सकते हैं। और पार्सल वगैरह भी अगर करवाना है तो यहाँ से वो भी करवा सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ आगे के साइड में कैसे जाना है, सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पर देखो इस तरीके का पूरा सिस्टम है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ मैं और यहाँ से भी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाता हूँ, वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और इसके अगले वाले व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ और बांद्रा टर्मिनस में मैं क्यों आया हूँ, वो सब मालूम पड़ जाएगा आप लोग को अगले व्लॉग में। तो यहाँ से चलते हैं सीधा सीधा। ये सब पूरा पार्सल रखा हुआ है, ये सब पार्सल का एरिया है। यहाँ पर शायद पार्सल का कोई डब्बा रहता होगा जिसमें कि ये लोग पार्सल वगैरह डालते हैं। तो यहाँ से मैं चलता हूँ और देखो यहाँ से नीचे जाने का है और यहाँ से भी रास्ता है, तो मैं वहीं से चलूँगा, आप लोग को दिखाऊँगा। यहाँ पर देखो कोई गाड़ी लगी है और अभी आई नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, वहाँ पर अपनी गाड़ी लगी है, तो वहाँ से मैं चलूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा कहाँ जाने वाला हूँ सब कुछ। आप लोग पूरे व्लॉग को अगर फॉलो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें हैं, तो सब कुछ आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पर हर एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग को इस तरीके की छोटी छोटी दुकान देखने मिलेगी, हर प्लेटफॉर्म पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही है, हर प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर ये काम चालू है, बहुत जल्दी यहाँ पर एलिवेटर भी चालू हो जाएगा, लिफ्ट आप लोग भी इससे भी ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ से मैं नीचे चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाने के बाद में किस तरीके का पूरा नज़ारा है, सब कुछ बताऊँगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर भी इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आप अपनी गाड़ी का टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ से चलता हूँ मैं, आप लोग को दिखाता हूँ। ये अंदर से ही आप लोग प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 3 पे जा सकते हैं, ये अंडरग्राउंड से ही जा सकते हैं। यहाँ पर देखो 2-3 प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं किस तरीके का है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 नंबर 2 नंबर भी जा सकते हैं और इधर के साइड में से भी जा सकते हैं। और गाड़ी जो उन लोग की आती होगी वो कैसे आती होगी वो भी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी कैसे वो लोग लेके आते हैं और अंदर कैसे गाड़ी तक कैसे गाड़ी से छोड़ते हैं कार से। तो यहाँ पर आगे के साइड में 6-7 नंबर है और यहाँ से देखो इधर से गाड़ी जाती है और इधर से पैदल जाते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ से 4 नंबर पे, आप लोग को दिखाता हूँ कैसा पूरा है 4 नंबर प्लेटफॉर्म का और कौन सी गाड़ी लगी है और किस में मैं जाने वाला हूँ वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो सामने के साइड में ही दुकान है, यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, नाश्ता वगैरह, गाड़ी के लिए आप लोग को कुछ भी लेना है, पानी वगैरह, तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। देखो इस तरीके की दुकान है, पेटिस वगैरह, समोसा वगैरह मिल जाएगा। ये 5 नंबर है प्लेटफॉर्म और वो 4 नंबर है और मुझे 4 नंबर पे जाना है। और ये है गरीब रथ एक्सप्रेस, तो इससे मैं पूरी जर्नी करने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ अगले व्लॉग में आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। और इधर के साइड में मैं दिखाता हूँ किस तरीके का है। और उधर पर वो 6 नंबर और वो 7 नंबर है जो कि उधर पर है। देखो आप लोग ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, वो 6 और वो 7 नंबर है। 7 नंबर का प्लेटफॉर्म है, ये पूरा स्टेशन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत बड़ा स्टेशन है। तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आप लोग आना कहीं भी अगर जाना है, और ख़ास करके अगर अजमेर रूट पे जाना है, राजस्थान रूट पे जाना है, तो यहाँ पर ज़रूर आना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।